हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आ गई हूँ एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग होने वाली है वीकली हॉरोस्कोप अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडियक साइंस। एंड ये रीडिंग होने वाली है फॉर द टाइम फ्रेम 7 to 13 of March। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड आप जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट यहाँ करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर विच इज seekeroftheDivineTruth@gmail.com। एंड अगर आप मुझसे कोई क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। एंड आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे ज़रूर कनेक्ट करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है seekeroftheDivineTruth। और आप लोग उस पर भी मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं या फिर अगर आप वन ऑन वन मुझसे बात करना चाहते हैं तो उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। सो इस विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। हेलो एक्वेरियस, अगर आप लोगों की राशि कुंभ राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, क्या लेकर आ रहा है ये सप्ताह आप लोगों के लिए कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। यस थैंक यू सो मच। आप लोग इस हफ्ते बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। जिस भी सिचुएशन से आप लोग बाहर निकलना चाहते थे उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा। साथ ही आप लोगों का इंट्यूशन कुछ यहाँ पर राइज हो रहा है। एंड येलो कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, येलो कलर। साथ ही मैं देख पा रही हूँ आप लोग अपनी माँ से बहुत कनेक्ट करेंगे इस हफ्ते। माँ के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, साथ ही आप नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लग रहा था कि मैं बहुत बंधा बंधा फील कर रहा हूँ तो स्लो डाउन की एनर्जी रहेगी इस हफ्ते। इस हफ्ते आप लोग कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। साथ ही 8 नंबर बहुत प्रोमिनेंट आया है आप लोगों के लिए। 8 नंबर बहुत ही लकी है इस हफ्ते। 8 नंबर के साथ ज़रूर काम कीजिएगा। 888 एंजल नंबर आया है यहाँ पर, तो 888 ये भी दर्शा रहा है कि आपका कुछ डिवाइन से कनेक्शन है, कहीं से आपको सफलता हासिल हो सकती है। आपका डिवाइन से बहुत कनेक्शन है एंड आप लोग बहुत ही लकी हैं। साथ ही आप लोग स्पिरिचुअल भी बहुत हो सकते हैं। सक्सेस को दर्शाता है 8 नंबर। साथ ही ये पैसे की ऊर्जा को दर्शाता है। आप लोगों का जो भी रुका हुआ पैसा था इस हफ्ते, आपको कहीं से अपना रुका हुआ पैसा यहाँ रिसीव हो सकता है। काफ़ी टाइम से अगर आप लोग मेहनत कर रहे थे तो इस हफ्ते आपको अपनी मेहनत का फल यहाँ पर मिल सकता है। तो आपसे कहा जा रहा है स्टक वाली ऊर्जा में मत रहिएगा। आप लोग कुछ स्टक फील कर सकते हैं, आपको लगेगा कि मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, बट आपके जो गाइडेंस है वो आपके अंदर से ही आ रही है, डिवाइन से आ रही है। उस ईश्वर का ध्यान करिए, वो आपको गाइडेंस ज़रूर दे रही हैं। और तो आपको स्टक फील करने की यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड आप लोग अपना रास्ता जो है अपने इंट्यूशन की हेल्प से ढूंढ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन में आप हैं तो ध्यान में बैठिए, आपको अपना रास्ता ज़रूर मिलेगा। साथ ही इस हफ्ते आप लोग पाएंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और शेड्यूल के साथ काम कर रहे हैं। तो बहुत ही लंबे समय से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। आपको निरंतर काम करते जाना है, कर्म करते जाना है और भरोसा रखना है, सरेंडर की ऊर्जा में रहना है। भरोसा रखिए एंड डिसिप्लिन में बहुत रहेंगे इस हफ्ते। आप लोग बहुत ही मेहनत करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा मुझे डिसिप्लिन और शेड्यूल के साथ काम करते हुए नज़र आ रही हैं। और मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए इस हफ्ते। क्या गाइडेंस है, देखिए कुंभ राशि। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मदर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रहे हैं ट्रस्ट करने के लिए। फिर से ये इंट्यूशन की बात कर रहा है। अगर आपको आपका इंट्यूशन मना कर रहा है कुछ चीज़ करने के लिए तो आपको वो चीज़ नहीं करना है, क्योंकि आपका इंट्यूशन सही कह रहा है एंड आप लोग डिवाइनली गाइडेड हैं। आपका इंट्यूशन सही कह रहा है। आना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, यहाँ पर भी मदर से मदर वाली ऊर्जा है। आपको अपनी मदर के साथ काम करना है, मदर की एडवाइस लेना है, अपनी माँ के साथ जुड़ना है, या फिर आपकी कोई भी जो आपसे कोई लेडी हो जो आपसे एज में बड़ी हो
जिनके साथ आप कनेक्शन फील करते हो, तो आप उनसे जुड़िए और उनसे एडवाइस लीजिए। साथ ही ये सब डिवाइन प्लान की वजह से हो रहा है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं एंड बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम्स, अगेन डिसिप्लिन का कार्ड आ गया। नियम बनाइए अपने काम में, नियम के साथ आप अपना काम करिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, डिसिप्लिन की एनर्जी में रहिए। आपको कहीं ना कहीं से उस डाउट को क्लियर करने की, आपका कंफ्यूजन क्लियर करने वाली एनर्जी फील होगी। आप लोग अपना कंफ्यूजन क्लियर कर पाएंगे। स्वादिष्ठान की एनर्जी है ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपको पैशनेट रहने की ज़रूरत है अपने काम के प्रति। आप लोग बहुत पैशनेट रहेंगे इस हफ्ते, और अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम करिए, क्रिएटिव ऊर्जा में रहिए। अगर आप लोग आर्टिस्ट हैं तो आपकी वो क्रिएटिव एनर्जी बाहर निकलेगी इस हफ्ते। आप लोगों को क्रिएटिविटी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही भक्ति का कार्ड यहाँ पर आया है। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग डिवाइनली कनेक्टेड हैं, तो आपको ईश्वर की भक्ति ज़रूर करनी है, ईश्वर के साथ ज़रूर जुड़ना है एंड सरेंडर करिए। जो भी आपके डर हैं, जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, जो भी आपके डाउट्स फियर्स जो भी हैं, सरेंडर करिए, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। सो कुंभ राशि ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच। आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।